नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम, वैसे तो स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद नंबर वन। सफाई व्यवस्था में ऐसे तमाम स्लोगन के माध्यम से सुर्खियां बटोर कर उच्च अधिकारियों को खुश करना चाहता है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कोई काम नजर नहीं आता। फिरोजाबाद में जलभराव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। विगत कई वर्षों से थाना रसूलपुर के समीप फारूकी बगीचे के नाम से एक मार्केट है, जो कि लगभग 500 मीटर के करीब है, जहां का सर्विस मार्ग जरा सी बारिश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदार परेशानियों का सामना करते हैं तथा रोजी रोटी संकट में पड़ जाती है, क्योंकि जलभराव होने की वजह से उनकी दुकान नहीं चल पाती। उसी मार्केट के अंदर एक कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां पर लोग शव को दफन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब पानी भर जाता है तो वह उसी पानी से होकर गुजरते हैं। ऐसे ही हालात कश्मीरी गेट शेखू चौराहे से लेकर के कश्मीरी गेट मेन चौराहा नगला बरी जाटापुरी चौराहे का सर्विस मार्ग पूरा पानी से लबालब हो जाता है, जहाँ बुद्धिजीवी लोग, स्कूली बच्चे आए दिन गिर कर घायल हो जाते हैं। फिर भी नगर निगम कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागता, जबकि सूबे के मुखिया का कहना है कि सभी मार्गों को सही कराया जाए। जहां गड्ढा युक्त मार्ग है उसको भी सही कराया जाए, लेकिन नगर निगम के अफसर हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विकास के नाम पर सरकार कहती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट करोड़ों रुपए का पास होता है, लेकिन जहाँ काम की जरूरत है वहाँ पर काम कतई अफसर नहीं करवाना चाहते, जबकि उन मार्गों को पैवन लगाकर सही कर देते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। आखिरकार जिले के आला अफसरों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू जी। अच्छा, क्या समस्या है आगे? आप किस जगह पे ये जल भराव की समस्या रहती है? थाना और पेट्रोल पंप के बीच में मार्केट। क्या नाम है इस मार्केट का? बाबू की मार्केट। तो मिट्टी आती है, पानी भर जाता है, रोड को भर जाता है और दुकानों में घुस जाता है और अंदर भी भर जाता है। आप लोगों ने जल निगम से कभी आप इस समस्या का समाधान करने के लिए लड़े हैं? कंप्लेन की दी उन्हें, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? तो आप ही गए थे, आप लोगों की पूरी टीम गई थी? नहीं, टीम गई थी हमारी, कोई सुनवाई नहीं होती। तो कामनी राठौर जी से मिले थे आप महापौर से? नहीं, कामनी राठौर से नहीं मिले। इस टाइम पर टाइम सोचा गया नाम मीडिया के जरिए बात पहुँचाए अपनी। अच्छा, इस मार्केट का नाम क्या है? फारूकी मार्केट। फारूकी मार्केट। तो आज ही भरा है जल भरा भी या भरा रहता है? अक्सर भर जाता है। अक्सर भर जाता है जब जब भी पानी पड़ता है। जब भी पानी पड़ता है पानी भर जाता है। जी जी। परेशानी बड़े बूढ़ों बच्चों को होती है, सामान तो निकल जाता है। अब देखिए आप कितने पानी में आ रहा है। अच्छा, आपके जो पार्षद है आपने उससे कहा? जानते हैं वो लोग सब। क्या नाम है आपके पार्षद का? यहाँ तो दूसरा है, हमारे इलाके में दूसरा है। अच्छा, आपका वार्ड नंबर कितना लगता है ये वाला? ये हमारे ये वार्ड नंबर नहीं है। आपका नाम मोहम्मद वसीम है सर? मोहम्मद वसीम, ये कौन सी जगह है? ये अच्छा, तो ये जल भराव की समस्या कब से बनी है यहाँ? समस्या तो काफी समय से है यहाँ पर, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, नगर निगम में कम्प्लेंट करते हैं, कम्प्लेंट से कोई मामला नहीं बनता। आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी तो ये स्वीट हाउस की दुकान है। अच्छा अच्छा, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दुकान का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अच्छा, ग्राहक आते हैं? ग्राहक, जाहिर सी बात है, जब हम ही नहीं बैठ पाते कस्टमर कहाँ से बैठेगा।